भी योबा सागर गए थे उसकी मैं रिपोर्ट लेकर आया हूँ, मैंने लिख लिया है कि मैं कोई भूल ना जाऊँ, गलती ना कर जाऊँ। इसलिए आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि सागर में जो भर्ती हो रही है बहुत ही अच्छी भर्ती हो रही है, ज्यादा समस्या नहीं आ रही है। वहाँ पर थोड़ा सा रोड पर दौड़ा रहे हैं, यानी कि डंबर पर दौड़ा रहे हैं, वो इसलिए उनकी मजबूरी है क्योंकि पानी गिर रहा है। आपको पता है कि ज़मीन से अच्छा तो अभी रोड है, क्योंकि अगर आप ज़मीन में दौड़ोगे तो आप स्लिप मार सकते हो, पैर फ्रैक्चर हो सकता है, डैमेज हो सकता है, पैर मुड़ सकता है, मोच आ सकती है, तो आपके सपने वो अधूरे रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने डंबर पे दूसरी दौड़ाया क्योंकि अगर आपकी मेहनत है, प्रैक्टिस है, तो आप यानी कि आपका जो लक्ष्य है उसको आप आराम से पा सकते हो, अगर आपके पास दम है, हिम्मत है तो। ठीक है, आज जो पहला बैच था उसमें मैं बता देता हूँ कितने लड़के पकड़े, 250 लड़कों के बैच थे, 1176 लड़के जो निवाड़ी के थे टोटल, आज वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, उनके 4 बैच बनाए गए थे और चारों बैचों का रिकॉर्ड मेरे पास है। तो 1176 लड़कों में से आज टोटल जो क्वालिफाई हुए हैं वो 60 से 65 लड़के, यानी कि 65 लड़के, 63 लड़के हैं वैसे तो, इधर लड़के ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो 65 लड़के मैंने एवरेज लिया है, तो 65 बंदे उन्होंने पकड़े हैं, इनकी फिजिकल क्वालिफाई हो गए हैं, जिनके 60 नंबर भी हैं और जिनमें से 48 नंबर हैं। ओनली हमारी बुंदेलखंड अकेडमी से ही 8-10 बच्चे हैं जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया है। उसमें से जितने लड़के गए थे लगभग लगभग हमारा जो रिजल्ट रहा वो 90% रहा, क्योंकि वहाँ पर जितना भी लड़का था वहाँ पर बड़ी हालत गंभीर में था, क्योंकि पानी गिर रहा था, थकान थी, रातों खड़े हो गए थे। ठीक है भैया, तो ये रिकॉर्ड मैं आप लोगों के पास लाया हूँ, जिसमें से 60 बंदों में से अगर हमारे 10 से 11 लड़के हैं तो आप इसका मतलब समझ सकते हो आप लोग कि हमारी परसेंटेज क्या है सक्सेस की। ठीक है, तो इसके बाद भैया पहला जो बैच था उसमें से 13 लड़के पकड़े हैं, आप समझ सकते हो 13 लड़के कम नहीं है। 13 लड़के जो वो होते हैं जो कंटिन्यू मेहनत करते हैं और जिनमें एक्सीडेंट आना कोई छोटी बात नहीं होती है। इसका मतलब है कि आप 1100 लड़कों में से आप अकेले ऐसे सूरवीर हो जिसने 13 लड़कों में अपना नंबर पाया है। ठीक है, दूसरा जो बैच था उसमें से 23 लड़के पकड़े हैं, दूसरे बैच में बहुत ज़्यादा लड़के पकड़े हैं, यानी कि 23 लड़के पकड़े हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं तीसरे बैच की बात करूँ तो उसमें भी 23 लड़के पकड़े हैं, यानी कि सेम लड़के पकड़े हैं, 23 लड़के बहुत होते हैं मैं बता रहा हूँ। तो यानी कि इसका मतलब है टाइमिंग बहुत अच्छी दे रहा है वहाँ पर वो, बिल्कुल जो भर्ती 2018 की भर्ती मुझे याद आ रही है, टीकमगढ़ की भर्ती इतनी अच्छी थी कि उस भर्ती एक त्यौहार एक उत्सव टाइप का था भैया। कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, मौसम भी बहुत अच्छा था, बंदे बहुत जाना जो वीक थे जिनकी 5:45 आती थी उन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया था उस समय। कुछ सुविधाओं से भी होता है जिससे बंदे थके ना। इसके बाद मैं बात करूँ चौथे राउंड की, चौथा जो बैच था उसमें मात्र 13 लड़के पकड़े हैं, तो पहले में 13 और आखिरी में 13 और बीच में 23 लड़के पकड़े हैं। तो ऐसे करके लगभग 60 से 70 के बीच में लड़के इकट्ठे हो गए हैं वहाँ पर। ठीक है, उसमें से कुछ बंदे मेडिकल में भी बाहर हो सकते हैं, लेकिन जितने भी लड़के आज क्वालिफाई हो गए हैं वो हकीकत में देखा जाए बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, क्योंकि आगरा की जो भर्ती मैंने देखी, अगर मैं उससे अगर इसको समानता करूं, अगर उससे मैं इसको आपस में मिलाऊं, अगर समानांतर करूं, तो मुझे लगता है कि जो भर्ती आगरा की थी वो इससे अच्छी नहीं थी, यानी कि वहाँ पर लड़कों के साथ जाना अन्याय हुआ है मेरे हिसाब से। लेकिन मैं यहाँ पर फिर से कहूँगा कि जो लोग समय देते हैं, जो लोग 5:45 वो कभी नहीं देते हैं, इसलिए अपनी तैयारी जारी रखना। कल के बैच की जो भी रिपोर्ट आएगी मैं आप लोगों को रिपोर्ट दूँ।